इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अभी आज ही 21 अक्टूबर है और आज ही के दिन जो है चुनाव खत्म हुआ है। अभी 24 तारीख को वोटिंग की गिनती होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन उसके पहले ही एनडीपी जो है जीत का जश्न आज यहां पर मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़ कर यहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। यहां पर जो है मौजूद है सैयदी भाई साहब, जीत का जश्न मना रहे हैं। उनसे बात करते हैं, बात सामने आ रही कि आम आदमी पार्टी को जो है वोट सबसे ज्यादा पड़ा है, तो इसके पहले आप कैसे जीत का जश्न मना रहे हैं? मैंने जीत का जश्न मना दिया है और मुमरा कौसा की आवाम ने जो सच्चाई थी, विकास का काम था, उसका हमको नजराना दे दिया और मुझे यकीन है कि हम 70,000 की लीड से जीते। 44.18% वोटिंग हुए है, जिसमें आम आदमी पार्टी दीपाली सैयद शिवसेना से है, जितेंद्र आव्हाड है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप बिना वोटिंग का गिनती शुरू हुए जो है आप लोग जीत का जश्न, आज ही वोटिंग हुई है, आज ही आप लोग जीत का जश्न मना रहे हैं यहाँ पर? 20% के अंदर सब है, दीपाली आप सारे लोग, बाकी सब हम है। किस तरह से आप किस तरह से कह सकते हैं, क्या आपके पास ऐसा सबूत है कि आप पहले ही जीत का जश्न मना रहे हैं? लोगों की निगाह में मोहब्बत जो दिखी, मैं मुमरा रेती बंदर से शुरू किया हूँ, चरनी पाड़ा तक गया हूँ, चरनी पाड़ा से वापस आया हूँ, हर तरफ घड़ी घड़ी चल रही थी। आपको नहीं लगता कि आपके इस जश्न पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आप किस तरह से जो है जीत का जश्न मना रहे हैं? अभी कोई फैसला नहीं आया, अभी 24 तारीख को वोटिंग की गिनती होगी और आप पहले ही जश्न मना रहे हैं। फैसला था, हमने कर दिया, हम जीते हैं तो हमने फैसला कर लिया, ये हमारा वो है। तो आपने सुना कि किस तरह से जो सैयद अली भाई साहब है उनका कहना है कि वो अभी कहीं ना कहीं जो है 24 तारीख को जो है वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन उसके पहले ही यहां पर जो है जीत का जश्न जो है एनसीपी के तरफ से मनाया जा रहा है। लेकिन इस जीत से, इस तरह के जश्न से भी तरह तरह के जो है सवाल उठते हैं, और सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर क्यों, जब 24 तारीख को फैसला आने वाला है कि कौन जीता कौन हारा, उसके पहले ही किस तरह से जो है यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।